तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर की गई टिप्पणी को लेकर आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार की नमाज के बाद ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए और नारे लगा रहे थे। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के डर से लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस हालातों को काबू में कर रही है। बता दें कि पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, जबकि दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित किया गया है। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने अपना बयान भी वापस ले लिया, लेकिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, इन दिनों नेताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। कल दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने नुपुर शर्मा, जिंदल और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर विभाजनकारी तर्ज पर लोगों को उकसाने के लिए शिकायत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार उसने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे हैं और विभिन्न समूहों को उकसा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं, एक सांसद, एक पत्रकार, सोशल मीडिया यूजर्स और धार्मिक संगठनों के सदस्यों के नाम पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया उनमें ऑल इंडिया मजलिस ए इब्तिदाउल मुस्लिम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल है।